सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मून इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपने DVR को सिम राउटर या फिर वाईफाई के द्वारा किस तरह से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास है ये सिम वाला राउटर, ये देखिए ये सिम वाला राउटर है मेरे पास, ट्विटर्स कंपनी का है। ऐसा आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसमें आप यहाँ पर सिम लगाते हैं दोस्तों, ये देखिए इसमें सिम लगाई जाती है, इसमें मैंने सिम लगा दी है। आप भी इसमें पहले से कोई भी सिम इसमें यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का इसमें सिम यूज कर सकते हैं आपको। बाकी यहाँ हम लैंड पोर्ट लगाएंगे इसमें, और यहाँ हम इसमें पावर देंगे दोस्तों। तो मैं इसको लैंड पोर्ट लगा के पावर दे देता हूँ दोस्तों। ऐसे ही आपको देनी है अपने इस DVR में, ये लैंड पोर्ट वाला इसमें यहाँ पे एक स्विच होता है, ये देखिए पावर केबल के पास में, ये देखिए लैंड पोर्ट दिया हुआ है हमारा, इसमें हम लैंड पोर्ट लगाएंगे। ये मेरा लैंड केबल है, इससे मैं इसकी कनेक्टिविटी करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने इसमें सिम लगा दिया है, और इसको पावर भी दे दी है, और लैंड पोर्ट लगा दिया है। दोस्तों आप देखेंगे DVR में भी मैंने लैंड पोर्ट लगा रखा है। तो जैसे लैंड पोर्ट मैंने इसमें लगा दिया है, आप देखेंगे इसमें रेड कलर और ब्लू कलर की लाइट जलेगी। तो जैसे रेड कलर और ब्लू कलर लाइट जलने लगे, तो समझ लेना आपका सिम काम कर रहा है। अगर आप रेड कलर की लाइट जल रही है और ब्लू कलर की लाइट नहीं जल रही, तो आपका सिम काम नहीं कर रहा है, ऐसा आप समझ लीजिए। तो दोस्तों मैं अब आपको दिखा देता हूँ, जैसे इसकी ID और ये वगैरह ID वगैरह देखेंगे आप, हम इसको अब अपने तो डिस्प्ले में। दोस्तों हमको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हमें मेन मेन्यू पर आना है। मेन मेन्यू पर आने के बाद हमारे जो भी DVR का पासवर्ड है, वो हम DVR का अपना पासवर्ड डाल देंगे। दोस्तों मैं आपको धगुआ के DVR में समझा रहा हूँ, आप CP प्लस में भी सेम प्रोसेस रहता है। धगुआ CP में आप दोनों में किसी में भी इसी तरह से कर सकते हैं। तो जो मेरा पासवर्ड है दोस्तों मैं डाल देता हूँ, आप भी अपना जो है पासवर्ड है उसको आप डाल दीजिएगा। इसके डालने के बाद जैसे ही आप एंटर मारेंगे, ओके करके आप डिस्प्ले पर आ जाएंगे। डिस्प्ले पर आने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल ये नेटवर्क वाला जो ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। नेटवर्क वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, इसमें आएंगे, यहाँ पे आपको देखने के बाद P2P पर चेक कर लेना है। P2P पर ये देखिए आपको ऑफलाइन दिखाई दे रहा है स्टेटस में, ये आपको ऑनलाइन यहाँ शो होना चाहिए। तो सबसे पहले आप भी देखेंगे DHCP, आप DHCP पर क्लिक करेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे और सेव कर देंगे। फिर आप दोबारा से देखेंगे दोस्तों, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपकी देखो IP सर्च हो चुकी है। IP सर्च करने के बाद अब आप आएंगे P2P सेटिंग, इस P2P पर आएंगे आप, कहाँ देखेंगे आप, ये अभी भी ऑफलाइन दिख रहा है दोस्तों, ये ऑनलाइन हो गया। देखो दोस्तों यहाँ देखिए, ये ऑफलाइन जो था वो हमारा ऑनलाइन हो गया। अब ये जो आप QR कोड देख रहे हैं दोस्तों, इसको हम अपने मोबाइल में स्कैन करेंगे, जो मैं आपको अभी मोबाइल डिस्प्ले पर समझाऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको ले आया हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पर क्या करना है, हमें सबसे पहले प्ले स्टोर पर क्लिक करना है। प्ले स्टोर पर हम इसका ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। दोस्तों पहले इसका आया करता था GDMSS लाइट या प्लस करके, इस तरह से आता था, लेकिन अभी क्या है वो प्ले स्टोर से हटा दिए गए हैं। तो हम GDMSS इस पर क्लिक कर लेता हूँ मैं, लेकिन हमें ये GDMSS ये देख लीजिए आप, आपको करीब से दिखाता हूँ, इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने दोस्तों पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप भी इंस्टॉल करके कर इसकी परमिशन देने के बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा चालू। तो इस तरह से चालू करने के बाद दोस्तों यहाँ जो प्लस वाला ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, इस प्लस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, और ये ऊपर जो लिखा है स्कैन, इस स्कैन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और अपने मोबाइल को मैं इसमें स्कैन कर लेता हूँ। जो मैं आपको QR कोड ये दिखा रहा था दोस्तों, इस QR कोड को मैं इसमें स्कैन कर लूँगा। तो देखिए जैसे ही आप दोस्तों आप स्कैन कर लेंगे, स्कैन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अभी आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये देखिए आपको सेकंड ऑप्शन है वायर कैमरा, वायर कैमरे पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों। वायर कैमरे पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ आपके ID वगैरह सब कुछ शो होने लगेंगी। तो यहाँ पे आपको डिवाइस नेम देना है और पासवर्ड देना है, उसके बाद आपका कैमरा चालू हो जाएगा। तो मैं डिवाइस नेम में ऑफिस लिख देता हूँ, आप अपना कोई भी नाम दे सकते हैं इसको। और यहाँ जो इसका पासवर्ड है, मैं इसका पासवर्ड डाल देता हूँ। तो इसका पासवर्ड डाल दिया है,
उसके बाद दोस्तों इसको हम सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे अभी मेरे DVR पर जो है कैमरे मैंने लगाए नहीं है, इसलिए कैमरे शो नहीं हो रहे हैं। बाकी इस तरह का आपके सामने कनेक्टिविटी हो जाएगी, आप देखेंगे डन का ऑप्शन आ गया है, तो हम डन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम डन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह से कैमरे शो हो जाएंगे। मेरे DVR पर कैमरे चालू नहीं है इसलिए कैमरे नहीं आ रहे हैं, आप इस तरह से चला सकते हैं। बाकी रिकॉर्डिंग वगैरह के स्क्रीन शॉट के माइक के सारे ऑप्शन इसमें दिए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। दोस्तों मैं ज़्यादा बताऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों मैं बताऊँ आपको, मैंने सिम राउटर पर बताया है आपको। ये सिम राउटर है, आप लैंड केबल द्वारा आपने वाईफाई या ब्रॉडबैंड वगैरह किसी से भी आपका कोई भी कनेक्शन है, आप उस सेम प्रोसेस है उसका और इसका कनेक्टिविटी करने का। ओके थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।